इथेरियम ने अपना जो है यहाँ पे नाम बदल दिया है, नया यहाँ पे रोड मैप इसका यहाँ पे अपग्रेड हुआ है। क्या नया रोड मैप है, क्या सारी अपडेट है, मैं यहाँ पे कवर करूँगा। एपिसोड 23 तक हमने यहाँ पे ब्लॉकचेन कोर्स पूरा ख़त्म कर लिया था, लेकिन हमने उस एपिसोड में कहा था कि एपिसोड ये जो कोर्स है वो ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन भविष्य में डेवलपमेंट होंगी तो वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अपने कोर्स को अप टू डेट रखेंगे। उसी लिए यहाँ पर जो है हमने अगेन यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, यानी कि इतना बड़ा जो टॉपिक है उसको कवर करना मैं यहाँ पे जरूरी समझता हूँ। फाइनली एपिसोड 23 पे ख़त्म होने के बाद ब्लॉकचेन कोर्स हम यहाँ पे एपिसोड 24 आज फिर लाए हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे जो मेजर अनाउंसमेंट की गई है इथेरियम का नाम बदलने की, आखिर ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें आपको डेप्थ में आज समझ आ जाएंगी, तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इथेरियम का अपग्रेड यहाँ पे हुआ है। दरअसल इसने जो नाम है ना, अभी तक आप सुनते थे कि इथेरियम 2.0 आएगा, तो अब जो इथेरियम 2.0 और इथेरियम 1.0 जो था वो नाम ना होकर के अब सीधे इथेरियम ही होगा, जो हम चाह रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक वाला, वो इथेरियम ही नाम उसका रखा जाएगा, ना कि इथेरियम 2.0। अब आप कहोगे इसमें इसके लिए वीडियो बनाना क्या पर्पज था, मैं आपको बताता हूँ ना, यही सिर्फ बात खत्म नहीं होती है। ये दरअसल हुआ क्या है, मैं आपको पूरा माजरा जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दरअसल हुआ ये है कि इथेरियम में जो, मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ कि ये आखिर हुआ क्या चीज है। तो देखो ये जो है आपको मैं ऐसे आप समझिए कि एक जो जो इथेरियम जो एक ब्लॉकचेन होती है उसका काम क्या होता है, एक जो ब्लॉकचेन होती है उसका काम जो होता है, उसका काम होता है किसी भी ट्रांजैक्शन उस ब्लॉकचेन पे हो रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना, उन ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट करना, और जो उन ट्रांजैक्शन का डेटा है, जो डेटा की अवेलेबिलिटी है, उसको ट्रांजेक्शन को संरक्षित करना अपनी ब्लॉकचेन पे, यानी कि एग्जीक्यूशन। ये एक ब्लॉकचेन का काम होता है, देख लीजिए टॉपिक लगा हुआ है व्हाट डज ए ब्लॉकचेन वर्क। तो एक ब्लॉकचेन का जो काम होता है वो यही होता है कि जो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना, सेटलमेंट करना, और डेटा अवेलेबिलिटी को ट्रांजैक्शन की अपने ब्लॉकचेन पे बनाए रखना, ठीक है। अच्छा है, जो इथेरियम है वो इथेरियम जो है उसमें जब ये इथेरियम, जो इथेरियम 2.0 जिसको हम कह रहे थे उसको हम इथेरियम 2.0 अब नहीं कहेंगे, अब सीधे इथेरियम ही कहेंगे, जो नया वाला अपडेट आएगा जिसमें प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम होगा, मतलब जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे आएगा उसको हम इथेरियम 2.0 अब नहीं कहेंगे, उसको इथेरियम ही कहेंगे। ये इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इथेरियम 2.0 नहीं किया कहा जाएगा, और इन्होंने ये भी कहा है कि इथेरियम 2.0 बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगा। क्या सारी मेजर डेवलपमेंट है, तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा तभी समझ आएगा। तो यहाँ पे जो इथेरियम 2.0 जब आएगा, या फिर आज के शब्दों में भी कहें तो अब इथेरियम ही कहा जाएगा, 2.0 नहीं कहा जाएगा, तो इससे तीन समस्याएं का समाधान यहाँ पे होने वाला है। पहली, यहाँ पे स्केलेबिलिटी की संभावना, स्केलेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि जो गैस फीस लगती थी और जो ट्रांजेक्शन में समय लगता था वो इथेरियम का दूर हो जाएगा। दूसरी चीज, सिक्योरिटी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि हाई वैलिडेटर्स होंगे और बहुत ज्यादा लोग अपना स्टेक होल्डर होंगे, तो इसलिए जो है सिक्योरिटी इसमें आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोगों को जुड़ जाएंगे और ज्यादा लोगों की निगरानी में काम होगा। सस्टेनेबिलिटी, चूंकि हाई वैलिडेटर्स हैं, माइनर्स इनको नहीं कहा जाता है, देखिए याद रखिएगा, प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स कहा जाता है, माइनर्स नहीं कहा जाता है, तो सस्टेनेबिलिटी भी आ जाएगी क्योंकि ज्यादा लोग आ जाएंगे, हाई वैलिडेटर्स हो जाएंगे। तो इथेरियम 2.0 के बाद इथेरियम जो नया जो प्रूफ ऑफ स्टेक वाला आएगा उसमें ये चीजें, समस्या का समाधान यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जो मेन समस्या का समाधान होगा वो होगा स्केलेबिलिटी का, यानी कि गैस फीस और ट्रांजेक्शन में जो समय लगता था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से ही थे दोनों चीजें, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी की समस्या थी वो यहाँ पे दूर हो जाएगी, तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी इसी के साथ, कि यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि दुनिया का कोई भी ब्लॉकचेन जो होता है, दुनिया का कोई भी ब्लॉकचेन, वो कभी इस ट्रायलेमा को पूरा ही नहीं कर पाता है, यानी कि दुनिया की कोई भी ब्लॉकचेन होगी वो कभी भी इसमें से तीन चीजों में से एक चीज को उसको छोड़ना ही पड़ता है, वो सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में एक को छोड़ना ही पड़ेगा। चाहो तो आप सिक्योरिटी या स्केलेबिलिटी पकड़ लो, डिसेंट्रलाइजेशन छोड़ दो, जैसे BNB का ले लो, उसके पास सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी तो है लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो बाइनेंस कॉइन में यही चीज है। वहीं पे बात करें बिटकॉइन और इथेरियम की, तो उसने सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को पकड़ रखा है लेकिन स्केलेबिलिटी को छोड़ दिया है। तो यानी कि जो ट्रायलेमा आई है, किसी भी ब्लॉकचेन, दुनिया की कोई भी ब्लॉकचेन इस तीन चीजों को एक साथ फॉलो ही नहीं कर सकती, दो तो चीजों को भी फॉलो कर सकती है, एक को छोड़ना ही पड़ेगा, तो ये ट्रायलेमा आपको सबसे पहले समझना चाहिए। तो अब इथेरियम के पास यहाँ पे स्केलेबिलिटी की समस्या थी, और वही स्केलेबिलिटी की समस्या जो है वो इथेरियम 2.0 के आने के बाद सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इथेरियम 2.0 में ऐसा, इथेरियम 2.0 यहाँ पे नाम नहीं
लेना चाहिए, क्योंकि इथेरियम 2.0 जो नाम है, जो विटालिक के बिट्रीन है इसके इथेरियम के फाउंडर, उन्होंने इसका नामकरण अगेन कर दिया है, रीब्रांडिंग कर दी है। अब इथेरियम जो जो प्रूफ ऑफ स्टेक वाला आएगा उसको हम इथेरियम ही कहेंगे। और ये इथेरियम 2.0 क्या था, इथेरियम 1.0 क्या था, ये अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझते रहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इथेरियम जो है इसको क्या मतलब, ये जो पुराने वाला इथेरियम था इसमें क्या ऐसी अपडेट हो जाएंगी जिसके बाद ये प्रूफ ऑफ स्टेक वाला बन जाएगा, क्या ऐसी दो चीजें जुड़ जाएंगी। तो देखिए, ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा। सेकंड चीज, इसमें एक सार्डिंग टेक्नोलॉजी होती है उसको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, सार्डिंग क्या होती है इसको भी हम पहले ही समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे इथेरियम का बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, इथेरियम का बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसको क्या किया जाता है, उस नेटवर्क में पूरी ब्लॉकचेन है उसको 64 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी 64 भाग में बांट दिया जाएगा। तो जब एक लंबी ब्लॉकचेन को इथेरियम की 64 भागों में भाग दिया काट दिया जाएगा तो उससे फायदे भी तो बहुत सारे होंगे। जैसे जब कम छोटा छोटा काम सबको बांट दिया जाएगा, यानी कि ब्लॉकचेन 64 भागों में बढ़ जाएगी, तो उससे जो ट्रांजेक्शन पर सेकेंड जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की हमें रिक्वायर नहीं होगी, क्योंकि छोटा टा काम है ना, तो हाई परफॉर्मेंस क्यों हमें चाहिए, छोटा टा काम अपना अपना देखो, तो ट्रांजेक्शन पर सेकंड देखो बढ़ जाएंगे, क्योंकि छोटा टा काम सब लोग अपना अपना कर लेंगे। मोर वैलिडेटर्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा लेस एनर्जी कंजम्पशन होगा, क्योंकि छोटा छोटा एरिया है, ठीक है, अपना अपना पकड़ लो, तो 64 भागों में बांट दिया जाएगा। ये होती है सार्डिंग, यानी कि किसी भी नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में 64 भागों में, किसी भी ब्लॉकचेन को या नेटवर्क जैसे पूरी एक नेटवर्क में ब्लॉकचेन जो पूरी है उसको 64 भागों में बांट देना सार्डिंग कहलाता है। और इससे फायदे क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अब अच्छा, ये समझ लेते हैं ये जो माजरा है ये इन्होंने किया क्या है। देखिए, इथेरियम जो 1.0 था वो इथेरियम मेननेट पे चलता था। किस पे? इथेरियम मेननेट पे, ठीक है, जो आम जो इथेरियम था जिसमें फीस लगती थी बहुत ज्यादा, अभी भी लगती है, मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगती है। तो जो साधारण वाला इथेरियम था तो उसको इथेरियम मेननेट पे चलता था, और वो इथेरियम 1.0 था उसको यहाँ पे जो विटालिक ब्यूट्रिन है उन्होंने यहाँ पे नाम दिया है एग्जीक्यूशन लेयर। समझिए अभी यहाँ पे ध्यान से, यहीं पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि समझाने को तो समझ जाओ लेकिन ये चीज नहीं आपको कोई समझाता है। नेक्स्ट की बात करें तो इथेरियम 2.0 जो इन्होंने नाम दिया है वो नाम इन्होंने दिया है बीकॉन चेन और इथेरियम मेननेट जब मिल जाते हैं, ठीक है, बीकॉन चेन और इथेरियम मेननेट जब मिल जाएंगे तो उसको हम ETS 2.0 कहेंगे, ठीक है। तो ETS 2.0 है जो हमारा था वो 1 दिसंबर 2020 से ही स्टार्ट हो गया था, ETS 2.0, ठीक है, और वो बहुत जल्द खत्म भी होने वाला है। कब खत्म होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो फिर यहाँ पे एक चीज समझिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आम इथेरियम था, ठीक है, तब तक उसमें बीकॉन चेन नहीं जुड़ी थी, यानी कि 1 दिसंबर 2020 से पहले जो इथेरियम था वो इथेरियम मेननेट पर चलता था, जिसको यहाँ पे विटालिक ब्यूट्रिन ने नाम दिया है ETS 1.0 या एग्जीक्यूशन लेयर, अभी के शब्दों में कहें तो एग्जीक्यूशन लेयर उसको नाम दिया है। जब उसके साथ 1 दिसंबर 2020 से बीकॉन चेन जुड़ गई और इथेरियम मेननेट दोनों जुड़ गए, क्योंकि मेननेट तो पहले साथ है, इथेरियम मेननेट और बीकॉन चेन भी जब जुड़ गया तो ये क्या बन गया, ETS 2.0। और इसको जो विटालिक ब्यूट्रिन ने यहाँ पे नाम दिया है वो कॉन्सेंसस लेयर का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कॉन्सेंसस लेयर का नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये मर्ज हो गया, जब ये जून 2022 में मर्ज हो जाएगा, यानी कि जब ये बीकॉन चेन इथेरियम मेननेट दोनों का मतलब पूरा काम खत्म हो जाएगा, यानी कि जब इसका बात शुरू होने वाला होगा जब सार्डिंग भी इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि जहां से सार्डिंग जुड़ना स्टार्ट होगा वहां से हमारा इथेरियम बन जाएगा, समझे। यानी कि जो ये बीकॉन चेन इथेरियम मेननेट है अभी तो ये चल रहा था, 1 दिसंबर 2020 के बाद बीकॉन चेन इथेरियम मेननेट चल रहा था, लेकिन जून 2022 में इसकी समाप्ति हो जाएगी और उस टाइम को कहा जाएगा मर्ज। अब जब वो जून 2022 में, जैसा कि इन्होंने अभी कहा है कि जून 2022 तरफ हम प्रयोगात्मक रूप से जून 2022 तक ये खत्म कर लेंगे, उसके बाद बीकॉन चेन और इथेरियम मेननेट और जब सार्डिंग यहां से जब शुरू हो जाएगी तब हमारा जो है असली इथेरियम यहां से निकलेगा, ठीक है। तो ये जो समय है मर्ज, इसको जो जून 2022 में होगा प्रयोगात्मक रूप से तो वो जून 2022 से होगा, यानी कि जहां से सार्डिंग शुरू होगी। सार्डिंग क्या होती है मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। अच्छा, जरा बीकॉन चेन को और भी डिटेल में समझ लेते हैं कि बीकॉन चेन 1 दिसंबर 2020 के बाद जुड़ी थी, इसमें क्या ऐसे चेंज हुए थे। तो समझिए, पूरा मैं एकदम डिटेल रिसर्च है तो देखते रहिए। द बीकॉन चेन विल कंडक्ट और कोऑर्डिनेट द एक्सपेंडेड नेटवर्क ऑफ शॉर्ट्स एंड स्टेकर्स। बीकॉन चेन क्या करती है, ये स्टेकिंग की सुविधा देती है और सार्डिंग
चीज नेटवर्क में ऐड कर देती है, यानी कि एक अपग्रेड जैसा कर देती है, कोऑर्डिनेट हो जाता है उसी इथेरियम के साथ, कि उसमें सार्ड और जो स्टेक की सुविधा है ये उसमें आ जाती है बीकन चैन के ऐड होने के बाद। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि ये काम हो चुका था 1 दिसंबर 2020 में ही शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 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 बट इट वुड नॉट बी लाइक द इथेरियम मेननेट ऑफ टूडे। लेकिन ये इथेरियम मेननेट की तरह नहीं होता जैसा कि पहले 1 दिसंबर 2020 के पहले था इथेरियम मेननेट, तो वैसा नहीं होती है। इट कैन नॉट हैंडल अकाउंट्स आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहीं पे मेन चीज कही गई है कि यहाँ पे ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे मतलब चली तो जाती है, यानी कि सार्ड और स्टेकिंग की सुविधा तो आ जाती है, लेकिन उसमें आप कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और कोई भी चीज उसमें डिप्लॉय नहीं कर सकते हो अभी। ठीक है, द बीकन चेन्स रूल विल चेंज ओवर टाइम बट इट्स ए फंडामेंटल कंपोनेंट फॉर द सिक्योर सस्टेनेबल एंड स्केलेबल इथेरियम वी आर वर्किंग टूवर्ड। तो यहाँ पे जो इथेरियम को मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक पे चली जाती है, लेकिन उस पर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, और ये पहली स्टेप होती है इथेरियम टू मतलब इथेरियम जो हमें चाहिए प्रूफ ऑफ स्टेक वाली उस पर जाने का। ठीक है, बीकॉन चैन। अच्छा, बीकॉन चैन के फीचर यहाँ पे क्या है, ये देखिए सबसे पहली चीज है कि स्टेकिंग को इंट्रोड्यूस कराती है। जैसे आप कह रहे होंगे कि इथेरियम 2.0 में इतनी स्टेकिंग हो चुकी, इतना इथेरियम लॉक हो चुका है, तो वो कहाँ से शुरू हुई, 1 दिसंबर 2020 के बाद शुरू हुई स्टेकिंग, समझ गए। तो वही जो इथेरियम में स्टेकिंग है तो कहाँ से शुरू हुई, 1 दिसंबर 2020 के बाद, क्योंकि वहां से बीकॉन चैन लग गई थी और उसने सार्डिंग को भी वहां पे खोल देता दरवाजा। द बीकॉन चेन विल इंट्रोड्यूस प्रूफ ऑफ स्टेक टू इथेरियम। जो बीकॉन चेन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक का जो है इंट्रोड्यूस करेगी इथेरियम को। ठीक है, दिस इज अ न्यू वे फॉर यू टू हेल्प कीप इथेरियम सिक्योर। इथेरियम को सिक्योर करने का नया तरीका है। थिंक वे ऑफ इट लाइक ए पब्लिक गुड दैट विल मेक इथेरियम हेल्दियर एंड अर्न यू मोर ETH इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इथेरियम को स्टेक करके आप बहुत ही ज्यादा मतलब इथेरियम कमा सकते हो, अच्छे इथेरियम जो नए आएंगे वो, मतलब ऐसे ही कहा जा रहा है। इन प्रैक्टिस इट विल इन्वॉल्व यू स्टेकिंग ETH इन ऑर्डर टू एक्टिवेट वैलिडेटर सॉफ्टवेयर। तो वैलिडेटर के जो सॉफ्टवेयर है उनको एक्टिवेट करने के लिए इथेरियम को लॉक किया जाएगा, जिसके बाद सार्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। वो सार्डिंग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, जून 2022 के बाद, यानी कि मर्ज होने के बाद। एज ए वैलिडेटर यू विल प्रोसेस ट्रांजेक्शन एंड क्रिएट न्यू ब्लॉक्स इन द चैन। तो यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि वैलिडेटर्स यहाँ पे नए ब्लॉक को करेंगे जनरेट। स्टेकिंग एंड बिकमिंग अ वैलिडेटर इज इजियर देन माइनिंग। हाउ द नेटवर्क इज करेंटली सिक्योर्ड एंड इट्स होप्ड दिस विल मेक इथेरियम मोर सिक्योर इन द लॉन्ग रन। तो इथेरियम को और ज्यादा सिक्योर बनाएगी, क्योंकि स्टेकिंग का आ जाएगा, हर किसी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, वैलिडेटर्स बन पाएगा अपने इथेरियम को वहाँ पे स्टेक करके। मोर पीपल दैट पार्टिसिपेट इन द नेटवर्क द मोर डिसेंट्रलाइजेशन से फ्रॉम अटैक इट विल बिकम। जितना ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज होता जाएगा, उतना ज्यादा यहाँ पे सिक्योर होता चला जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग ए वैलिडेटर एंड हेल्पिंग सिक्योर द बीकॉन चैन लर्न मोर अबाउट स्टेकिंग, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चेंज फॉर अनदर अपग्रेड सार्ड चैन्स। अब यहाँ पे ये चीजें हो गई। सेटिंग अप फॉर सार्ड चैन्स आफ्टर मेननेट मर्ज, मेननेट मर्ज विद द बीकॉन चैन। देखिए वही चीज बताई जा रही है, आफ्टर मेननेट मर्ज विद द बीकॉन चैन, यानी कि बीकॉन चैन जो है इथेरियम मेननेट के में मिलने के बाद द नेक्स्ट अपग्रेड विल इंट्रोड्यूस सार्ड चैन्स, जो कहां से स्टार्ट होगी जून 2022 के बाद नेक्स्ट अपग्रेड सार्ड चैन्स की, और उसके बाद हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक वाला इथेरियम बन जाएगा जो हम चाह रहे हैं। लेकिन अब हम इथेरियम 2.0 नहीं कहेंगे, क्योंकि विटालिक बिटरेन ने उसका नाम बदल दिया है। ठीक है, और क्या उन्होंने किया वो हम पिछले पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, टू द प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क, तो सार्ड चैन उसके बाद आएंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इथेरियम की जो मेन नेट है वो किससे जुड़ता है, बीकॉन चैन से। ठीक है, उसके बाद स्टेकिंग स्टार्ट हो जाती है, स्टेकिंग स्टार्ट होने के बाद फिर उसमें मर्ज का जब टाइम आता है तो वहां पे इथेरियम मेननेट और बीकॉन चैन का काम खत्म हो जाता है, फिर शुरू होती है वहां से सार्डिंग की प्रक्रिया। और जैसे सार्डिंग की प्रक्रिया शुरू होती है उसके बाद टेस्टिंग चलती है, और उसके बाद फिर है असली वाला जो हमारा इथेरियम है जो हम चाह रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक वाला, वो हमारा मिल जाएगा। दीज शार्ट्स विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क टू इम्प्रूव ट्रांजेक्शन स्पीड बाय एक्सटेंडिंग। देखिए ये जो है सार्डिंग जो है वो इस जो स्पीड है इसकी जो बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि इसको 64 ब्लॉकचेन में बांट देगा, ये हम पहले आपको बता चुका कि सार्डिंग से क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। द बीकॉन चैन इज एन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन इंट्रोड्यूसिंग सार्ड चैन। बीकॉन चैन पहली स्टेप होती है सार्ड चैन को इंट्रोड्यूस करने से पहले, बिकॉज दे रिक्वायर स्टेकिंग टू वर्क सिक्योरली। क्योंकि सार्डिंग जब होगी तो उसमें कुछ लॉक भी तो होना चाहिए, तो लॉक की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, बीकॉन चैन से।
Eventually, the beacon chain will also be responsible for randomly assigning stakers to validate search chains. This is key to making it difficult for stakers to collude and tag over a shard. It means they have less than a trillion. तो यहाँ पे मैंने जो मोटी मोटी बातें हैं आपको बता दी, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या आखिर यहाँ पे हुआ है। तो जो विटालिक ब्यूट्रिन है उन्होंने जो इथेरियम मेन नेट जो थी उसको ETH 1.0 और करंट के हिसाब से बात करें तो उसको एग्जीक्यूशन लेयर का नाम दिया, यानी कि 1 दिसंबर 2020 से पहले का जो टाइम था ETH 1.0 का था। वहीं पे बात करें बीकॉन चैन जो 1 दिसंबर 2020 के बाद जुड़ी इथेरियम मेननेट में, इथेरियम मेननेट में बीकॉन चैन 1 दिसंबर 2020 के बाद जुड़ी, उसके बाद के टाइम को और जो जून 2022 में जो मर्ज का टाइम आएगा, यानी कि जहाँ पे बीकॉन चैन और इथेरियम मेननेट का काम खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म क्या होगा, मतलब जहाँ पे समाप्त हो जाएगा, जहाँ से शार्डिंग स्टार्ट होगी उस समय के बिल्कुल बीचों बीच टाइम को हम कहते हैं मर्ज। फिर क्या होगा, फिर बीकॉन चैन और इथेरियम मेननेट और शार्डिंग तीनों मिलकर के चैन, इथेरियम मेननेट, शार्डिंग चैन और बीकॉन चैन मिलकर के इथेरियम बनाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया थी, यही नामकरण हुआ था। तो यहाँ पे इसका पूरा रिब्रांडिंग इस तरह से इथेरियम को की गई है, ये देखिए यहाँ पे एफ ए भी बता रखा है। और तो ये चीज़ें सारी कुछ इसमें की गई हैं, और इसमें ये भी बताया जा चुका है कि जो टर्म है ETH 1 एंड ETH 2 वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि जून 2022 तक ख़त्म हो जाएंगी, यही चीज़ उन्होंने भी बताई है। तो ये सारा रोड मैप है, ये सारा PDF जो है था मैंने आपको बताया, ये दरअसल मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया था, ये PDF मैंने ही लिखा था। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आराम से डिटेल में पढ़ सकते हो। यदि वीडियो यदि अच्छा लगा हो, कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त देते हैं, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना उतना शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको वेब 3 में डेवलपर बनना हो, या फिर वेब 3 का या टेक्नोलॉजी को आपको सीखना हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सब्सक्राइब करने की, है ना। तो ठीक है।